सभी मेरी बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हजारों की तादाद में दूर दराज के गांव में रहने वाली मेरी बहनें मुझे राखी बांधने भी आई है और आशीर्वाद देने भी आई है। ये रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का अटूट रिश्ता का पर्व है। ये रक्षाबंधन का पर्व बहन का आशीर्वाद और भाई की जिम्मेदारी का पर्व है। ये रक्षाबंधन का पर्व हर बहन खुशहाल रहे, समृद्धि रहे, ये एक भाई की जिम्मेदारी का पर्व है। और जो मेरी हजारों बहनें हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी बहनें खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, उनके चेहरे पर इस तरीके की प्रसन्नता रहे और उनकी परेशानी और कठिनाई इस भाई की जिम्मेदारी हो। जब मैं हजारों बहनों को देखता हूं, उनके आशीर्वाद, उनको शुभाशीष, मन से आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद और संवेदना के साथ स्नेह प्यार का आशीर्वाद आपका रहता है, क्योंकि मां बहनों में के जीवन ही संघर्षों का जीवन रहता है और उस संघर्ष, उस चुनौतियों, उन आपदाओं को जिस तरीके से बहने संवेदना के साथ अपने घर की पीड़ा, जहां पैदा हुई वहां की घर की पीड़ा, जहां शादी होकर गई वहां की पीड़ा, एक बहन एक मां दो दो परिवारों को संभालती है और दोनों परिवारों की चिंता करती है और दोनों परिवारों की जिम्मेदारी संभालती है और उसके लिए उसको कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, कितनी भी कठिनाई सहन करनी पड़े, लेकिन उसकी कोशिश रहती है मैं कष्ट पालूं, मेरे परिवार पर खुशी रहे, समृद्धि रहे, ये हर मां बहन की हमेशा संवेदना रहती है। और मैंने तो कई बार देखा है कि घर में अगर दो टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं है तो मां और बहन भूखी रह जाती है लेकिन परिवार को भरपूर भोजन कराती है। मैंने देखा है मां बहन खेतों पर, खलियान पर काम कर तपती धूप के अंदर दो टाइम की रोटी का इंतजाम करती है। मैंने देखा मेरी मां बहन को मजदूरी कर भी कितनी भी कठिनाई में हो लेकिन अपने परिवार को पालते हुए मजदूरी कर दो टाइम की रोटी का इंतजाम करती। कभी घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी चिंता करना, बच्चों को पढ़ाने की चिंता करना, सुबह से उनकी दिनचर्या को जो मैं देखता हूं तो सुबह से शाम तक समर्पण और सेवा के अलावा मां बहन कुछ नहीं करती है। मेरी मां मेरे बीच में नहीं रही लेकिन मुझे पता है हम छह भाई और तीन बहनें हैं, हमारे छह भाइयों को पालना, तीन बहनों को पालना, सुबह खाना बनाना, शाम को खाना बनाना,
हमारे सबके कपड़े भी धोने का काम करती थी नदी पर जाकर, और कभी भी हमें कष्ट न पहुंचे उसकी चिंता करती थी। मुझे याद है कि हम जब राजनीति सामाजिक क्षेत्र में थे तो घर पे रात को अचानक जाते थे तो इस बात की चिंता करते थे कि हमारी आड़ से हमारी मां नहीं उठ जाए। अगर हमारी आड़ लग गई और मां की नींद खुल गई तो कोशिश करती थी उसी समय फिर से गर्म खाना बनाकर हमें खाना खिलाने का काम करती थी। कितनी मां सेवा करती है मैं शब्दों में आकलन नहीं कर सकता। शब्द कम पड़ जाएंगे, विचार कम पड़ जाएंगे, लेकिन मां की संवेदना कभी कम नहीं होती। और इसीलिए जब मैं आपके बीच में जाता हूं मेरी यही कोशिश रहती है कि दो हाथ हम भी सहयोग करें ताकि हर मां बहन के चेहरे पे खुशी आए। पिछली बार जेके लोन हॉस्पिटल में एक साथ 15 से 20 नवजात बच्चे नहीं रहे। जब मैं उनके परिवार पे गया तो कई महिलाओं की स्थिति ये थी कि वजन कम था, खाने के दो टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं था। मैंने उसी दिन का, हो सकता है कि मैंने 20 परिवार को देखा है, कई हजारों परिवार होते होंगे जब गर्भवती महिला खुद भूखा रहकर अपने बच्चों और पति को खाना खिलाती होगी, और जब खुद भूखी रहती है तो आने वाला बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहता। और इसलिए आज मैं यहां कह के जा रहा हूं आपसे कि हर गर्भवती महिला जो वंचित है, जिसकी आपदा संकट है, उन सब गर्भवती महिलाओं को हर महीने पोषण का किट मिलेगा। 3 महीने में उनकी जांच होगी ताकि मां भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे, आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे। और इसका कार्यक्रम की योजना 12 सितंबर को सुल्तानपुर से शुरू करेंगे। अभी कोटा में जब हम 2 साल से ऐसा पोषण किट बांट रहे हैं तो पिछले महीने जो साल भर पोषण किट बांटने के बाद जो महिलाएं मिली उनका बच्चा भी स्वस्थ था और मां भी स्वस्थ रही, और एक बच्चा नहीं मरा। और इसी दिन मैंने तय किया था हर गर्भवती मां को स्वस्थ रखना, उसके बच्चे को स्वस्थ रखना, यह हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं इस जिम्मेदारी का आज रक्षाबंधन पर आप सबको वादा करके जा रहा हूं। मैं पिछली बार जब गड़ेपान के पास, सारोला गांव के पास, कृष्णावता गांव में 2 साल पहले हमने एक स्कूल शुरू किया था, दादी नानी का स्कूल, और उस दादी नानी के स्कूल में जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी वो आई। उसी गांव की एक बीएड करने वाली महिलाओं ने से सर्वे कराया और सामान्य रूप से पढ़ने लिखने और साइन करना सीख गई। मैं आज यहां कह के जा रहा हूं हर गांव के अंदर हर महिला, एक महिला तैयार हो जाए जो वहां कुछ पढ़ी लिखी हो, फिर उसको मानदेय देंगे और हर गांव में इसी तरीके से दादी नानी का स्कूल चलाएंगे ताकि दादी नानी पढ़ी लिखी नहीं है वो भी कम से पढ़ने लग जाए और साइन करने लग जाए। ये बड़ा काम भी हम करने जा रहे हैं। और जो दादी नानी पढ़ लेगी उसको कुछ इनाम भी मिलेगा।
उस दादी नानी को पढ़ने के बाद उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर के अंदर ही घर के कुछ सामान, कोई प्रोडक्ट, कोई मूंगड़ी, पापड़, लड्डू, ऐसे घर के अच्छे प्रोडक्ट बनाकर उन प्रोडक्ट का कच्चा माल कोई संस्था से दिलाएंगे और वह संस्था ही उस माल को खरीद लेगी। इसी तरीके से घर घर के अंदर महिलाएं घर पर सिलाई मशीन चलाकर घर पे ही कपड़ा सिले, कपड़ा देने वाले भी कोई संस्था रहेगी, बना के खरीदने का काम भी वही करेगी, केवल आपको बनाने के काम मिल जाएगा ताकि हर महिला को 200-300 रुपए का काम गांव में मिल जाए। जो महिलाएं पशुपालक का काम करना चाहती है उन महिलाओं को पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण दिलाएंगे ताकि वह पशुपालन का काम कर रोजाना 300-400 रुपया कमा सके और डेयरी वालों से कहेंगे कि उनका दूध बाजार के दूध से थोड़ा महंगा खरीदे ताकि हम डेयरी प्रोडक्टों का काम कर सके। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से जिंदगी जिए और आत्मनिर्भर आत्मसम्मान से जिंदगी जीने के लिए मैं सभी महिलाओं से कहना चाहता हूं कि अलग अलग गांव के अंदर इस तरीके से स्वयं सहायता समूह बने हुए उनसे बात कर और हम किस तरीके से वहां पर क्या क्या काम कर सकते हैं। कुछ महिलाएं वहां पर किराने की दुकान खोल सकती है, कुछ महिलाएं और प्रोडक्ट बनाने का काम कर सकती है और उन प्रोडक्ट को बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी वहां पर बेचने का काम करेगी और मल्टीनेशनल कंपनियां उसका कमीशन नहीं लेगी ताकि गांव से ही आप बेचकर अपने सामान को बेच सके। काम बहुत कठिन है लेकिन इस भारत के अंदर अंतरिक्ष के अंदर भी चंद्रयान 3 को पहुंचाने वाली और उसको बनाने वाली कोई महिला डायरेक्टर थी, उसने चंद्रयान 3 का लॉन्च कर दुनिया को बता दिया। ये महिलाएं आज फाइटर प्लेन चला रही है, ये महिलाएं ट्रेन चला रही है, ये महिलाएं सीमा पर सुरक्षा का काम कर रही है, ये महिलाएं पुलिस वाली महिलाएं पुलिस का काम कर रही है दुनिया के अंदर और भारत में नर्सिंग सेवा का काम कर रही है। कौन सा काम नहीं जो आज महिलाएं नहीं कर रही, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, IAS हो, हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं आगे है। क्योंकि महिलाएं जब कोई ठान लेती है, संकल्प कर लेती है तो उसका पूरा काम करने के लिए भी उनमें एक ऊर्जा और नई ताकत होती है। और इसीलिए हम गांव-गांव के अंदर समय में लगेगा, आज लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ताकि हम ये कह सके कि हर गांव के अंदर जो महिलाएं काम करना चाहती है उन महिलाओं को उसी गांव में कुछ कुछ न प्रोडक्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। ये आने वाले समय में हमें कार्य योजना बनानी है और इसीलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप योजना बनाओ। मैं चाहता हूं कि हमारी महिला आर्थिक सशक्तिकरण का एक उदाहरण बने, क्योंकि अभी आप मजदूरी करती हैं, मेहनत करती हैं, कुछ थोड़ी पढ़ने लिखने का काम करने लग जाए, बिना पढ़े लिखे भी ऐसे हाथ की कला आप में है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, जो महिलाओं के हाथ में कला है। अब जो लड्डू हम गर्भवती महिलाओं को बांटेंगे, 5 गांव की महिलाएं गर्भवती लड्डू बनाने का काम करे, खरीदने के काम वो संस्था करेगी, आपको कुछ कमाई हो जाएगी और गर्भवती महिलाओं को अच्छे घर में जो लड्डू बनाती हो आप बहू के लिए, आपके लिए वो काम आ जाएंगे। मूंगड़ी बना सकती हो, पापड़ बना सकती हो, कई सारे आइटम बना सकती हो। और इसीलिए आज रक्षाबंधन का पर्व है और एक भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है मेरी बहनें खुश रहे, समृद्धि रहे। एक भाई के मन में होता भी क्या है,
हर बार यही भाई ये चाहता नहीं कि उसकी बहन खुश रहे, समृद्धि रहे, खुशहाल रहे, चेहरे पे खुशी आए। और एक बहन का क्या रहता है कि उसके भाई पर कोई कठिनाई नहीं आए, उस पर कठिनाई आए तो मेरी कठिनाई है, ये हमेशा बहन प्रार्थना करती है। ये रिश्ता है। बहन कहती है कि कुछ मेरे हो जाए लेकिन मेरे भाई के कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहन हमेशा कहती है। मां कहती है कि मेरा पुत्र कुशल रहे, समृद्ध रहे, जो कुछ भी हो मेरे पे आपत आ जाए, मेरे बेटे पे आपत नहीं आए। ये पीड़ा मां बहन में हो सकती है। और इसीलिए मुझे जब भी आपके बीच में आता हूं, मुझे नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। कई काम असंभव लगते हैं लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हर असंभव काम को भी संभव बनाने की ताकत आपकी ताकत मेरे साथ है, और इस असंभव काम को भी हम संभव बताएंगे। और हर महिला, हर बहन के चेहरे पे खुशी आए, समृद्धि आए, यही आज हमारा रक्षाबंधन का संकल्प का पर्व है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी बहनों को।